कोई पंख काटने जरूर आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी बात चली किसान की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का आपसे इससे कांग्रेस सरकार से पहले था, हमने 74,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसल ऋण किसानों को दिया। अगर उसकी हम तुलना करें पिछले कांग्रेस सरकार से, तो कांग्रेस ने केवल 25,000 करोड़ से राशि से कम का ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया। ऐसा है आपको मैं बता देता हूं। अरे बोलिए, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं, बीच में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये आंकड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से दे रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी बोल रहे थे, जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं वो है वर्ष 2013 से 18 तक, और आपका मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं वो दे रहा हूं 2008 से वर्ष 2013 तक, कि आपने 25,000 करोड़ से कम का ब्याज किसानों को दिया है ऋण, ब्याज मुक्त फसल ऋण। और भारतीय जनता पार्टी के समय यह बांटा गया 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसल। अरे फिर बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका नाम आगे से नहीं लूंगा। अभी किसानों की बात चल रही थी, ना इधर के ना उधर के। माननीय अध्यक्ष जी, अभी किसानों की बात चल रही थी, हम लेकर के आया किसानों का दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का, और 10 लाख तक का पूरे देश में अगर कहीं ये बीमा हुआ किसानों का, केवल राजस्थान में हुआ माननीय मसूद राजे जी के साथ, और उसको आपने बंद कर दिया। ये चौथा स्तंभ ऊपर बैठे हैं, पत्रिका, भास्कर और छोटे छोटे अखबारों ने बार बार इसको निकाला, लेकिन आपने किसी तरह का कोई बीमा नहीं किया। आज किसानों का बीमा नहीं हो रहा है, और अब हमारा प्रयास करेंगे, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वापस किसानों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा होना चाहिए। और ये बीमा जो किया इसकी संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 25 लाख से ज्यादा। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, अभी किसानों की बात चली, अगर पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो जो ब्याज मुक्त फसल ऋण किसानों को दिया गया है वो किसान सब डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर का कारण ये रहा है कि किसान जमा कराना चाहते थे अपनी राशि, उन दिनों में जब व्यवस्थापक हड़ताल पर चले गए तो किसी ने उनकी राशि को जमा नहीं कराया। मेरे नागौर के अंदर 100 करोड़ से रुपए ज्यादा इस तरह से डिफॉल्टर में फंसे हुए हैं, हजारों किसान डिफॉल्टर हो गए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस तरह अगर किसान डिफॉल्टर रहेगा तो वो पैसा जमा नहीं करा रहा, क्योंकि उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि किसानों का जो ब्याज और पेनल्टी बन रही है उसको ये माफ करें। अभी एमएसपी की बात चली थी, दो माननीय सदस्यों ने कहा कि एमएसपी समर्थन मूल्य पर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप विपक्ष में थे तो आपने बार बार ये मांग उठाई राजस्थान में कि बाजरा खरीदा जाए। मैं ये जानना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, क्या एक दाना भी बाजरे का कांग्रेस के समय खरीदा गया है क्या? नहीं। और आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, समर्थन मूल्य के देख लें कि राजस्थान में सबसे पहले अगर मूंग खरीदा, जो कि राजस्थान में इतना होता, पूरा देश एक तरफ और राजस्थान एक तरफ, तो वो खरीदा गया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खरीदा। अगर समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलें किसानों से ली गई है, किसानों को लाभान्वित किया गया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के शासनकाल में एक उपजिला चिकित्सालय की स्वीकृति दी गई थी वर्ष 2022-23 के बजट में, अभी तक भी वो नहीं बना। मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए ताकि वो अब बन सके। इसी तरह से मेरे डेगाना विधानसभा क्षेत्र में निम्बोला कला गांव है, जहां पर कांग्रेस के समय पीएससी की घोषणा की गई थी, लेकिन वो अभी भी शुरू नहीं हुई है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो भी शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करें। और इसके अलावा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चुई, आंत्रोली कला, बिखरनिया कला, चांदारूण में भी पीएससी की स्वीकृति करने का श्रम करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि चांदारूण में यदि पीएससी बनाई जाती है तो वो पीएससी पूरी भामाशाहों के द्वारा बना दी जाएगी। इसी तरह से थावला में लगातार कॉलेज की मांग चल रही है, और कांग्रेस के समय जो वहां का उपखंड मुख्यालय है थावला का रिया, वहां के लिए कॉलेज की स्वीकृति दी गई है कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन अभी तक वहां कॉलेज शुरू नहीं हो पाया है।
और जो भूमि का आवंटन किया गया है उसके लिए ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में विवाद है और राजस्व मंडल द्वारा उसके लिए स्टे कर दिया गया है, यथास्थिति के आदेश है, इसलिए वो थामला में अगर खोल दिया जाए तो वहां के लोग लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, नगर पालिका क्षेत्र डेगाना में और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के शासन काल में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, पूरी सड़कें तोड़ दी गई है और उसको ठीक नहीं कराया गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इन सड़कों के लिए अलग से कुछ राशि लगभग 25 करोड़ रुपए दें ताकि ये सड़कें वापस दुरुस्त कराई जा सके। इसी तरह से डेगाना में एडीजे कोर्ट नहीं है और अगर पूरे जिले में देखें तो हर उपखंड मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट है, तो मेरी ये भी मांग है कि डेगाना के अंदर एडीजे कोर्ट खोला जाए। बिजली के संकट को देखते हुए पंचायत मुख्यालय पुंदलोता और मांझी में 33.11 kV/kV GIS के स्वीकृति प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी प्रकार बेरुंदा में उप तहसील है जिसको वो पंचायत समिति मुख्यालय है उसको तहसील में क्रमोन्नत करने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विकास चौधरी।